इस लॉकडाउन ने बहुत से व्यापारों पर बुरा असर डाला है। अनगिनत रोजगार समाप्त हो गए हैं। हमने लॉकडाउन से ट्रांसपोर्ट रेट पर होने वाले प्रभावों को कई बार दिखाया है। सरकार के द्वारा दी गई तमाम राहत किस प्रकार महज एक ख्वाब बनकर रह गई, हमने वो भी आपको कई बार दिखाया। ट्रक चालकों, टैक्सी चालकों, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को किस तरह लॉकडाउन ने भारी नुकसान पहुंचाया और रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया, यह भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सेगमेंट के चालकों की समस्या के बारे में बताएंगे जिस पर शायद अभी तक किसी मीडिया का ध्यान नहीं गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट वाहन चालकों की, उन वाहन चालकों की जो कोठियों, बंगलों, व्यापारियों जैसे वाहन मालिकों के वाहन चलाते हैं। ये वाहन चालक बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं। 10-20 सालों से भी लंबे समय से काम करने वाले चालकों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। मालिक इन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, जहां इतना लंबा समय व्यतीत करने के बाद इन्हें अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वहीं इसके बदले अब इनका रोजगार छिनता जा रहा है। इसी संबंध में पंजाब के अमृतसर की एक संस्था प्राइवेट ड्राइवर यूनियन के द्वारा एक पत्र अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर अनीता कालिया को दिया गया है, जिसके बाद चालकों को मदद का आश्वासन मिला है। उम्मीद करते हैं कि चालकों को इस पूरे वक्त में सरकार से मदद मिले और जो इनके रोजगार छिन गए हैं वो इन्हें वापस मिल जाए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।